और एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बिहार में सियासी अटकलों के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक के बाद एक तीन पोस्ट की हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसके सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। यह पोस्ट ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में जेडीयू आरजेडी के बीच इन दिनों शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि दोनों की दल इस तरह की खबरों से इनकार करते हैं। रोहिणी के इस पोस्ट से जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में खटास आने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक तीन पोस्ट की हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, और इस तीन पोस्ट के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने जो अपने ट्वीट में लिखा है, अगर हम उसका जिक्र करें तो उन्होंने लिखा है कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। आगे वो लिखती हैं, अक्सर कुछ लोग देख नहीं पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। इसके आगे रोहिणी आचार्य लिखती हैं, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरफ बदलती जिनकी विचारधारा है। तो उनके इस पोस्ट के बाद बिहार में एक बार फिर से कह सकते हैं कि सियासी हलचल बढ़ गई है। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहिणी आचार्य के अकाउंट की जानकारी मांगी है। हमारे साथ पटना से अभिषेक जुड़े हुए हैं। ये जो अटकलें अब लगाई जा रही हैं इस पोस्ट के बाद जिस तरीके का सियासी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको हम और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, एक के बाद एक तीन पोस्ट की जाती है रोहिणी आचार्य की ओर से, और उसके बाद अभी माना जा रहा है कि ये जदयू और राजद के बीच जो खटास की बातें सामने आ रही हैं, इस खबर को और मजबूत कर रहा है ये तीनों पोस्ट। घंटे को देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के राजनीतिक गलियारे को लेकर के, और खास करके आरजेडी और जदयू के जो रिश्ते में लगातार जो गांठ पड़ता हुआ दिख रहा है उसको साफ समझा जा सकता है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जब कर्पूरी जयंती के मौके पर भारत रत्न का जैसे घोषणा की, उसके बाद से ही सभी लोग, चाहे वो लालू प्रसाद हो या बीजेपी हो या फिर जदयू के नीतीश कुमार हो, सभी लोग इसका क्रेडिट लेने में होड़ में लग गए। और कल जो 100वीं जयंती मनाई गई राजद के द्वारा और जदयू के द्वारा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को रख रहे थे। और जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने जो बातें कही है उसमें साफ तौर से उन्होंने जिस तरह से परिवार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया कि कुछ लोग हैं जो परिवार को बढ़ाने ही में लगे रहते हैं, और हम लोग, या फिर वो कर्पूरी जी का नाम लेकर कहा कि कभी इन्होंने परिवार को नहीं बढ़ाया, हम अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य को ही परिवार मानते हैं। यानी कि सीधा हमला लालू परिवार के ऊपर था। उसके अलावा जो लालू प्रसाद ने कल जो अपने भाषण में कहा था SKM में कि अब लड़ाई और कड़ी होने वाली है और हमें तैयारी करनी है, उस तरह से तेजस्वी यादव ने फिर हुंकार भरी है कल SKM में, और उसने यह कहा था कि जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो आगे भी जुड़े रहें, हम इसी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। यानी कि अब जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगी है। और जिस तरह से रोहिणी आचार्य का आज ट्वीट आया है उसमें साफ तौर से जो बिना नाम लिए वह हमला सीधा तौर पर अपने जो सहयोगी पार्टी है उसके ऊपर करता हुआ दिख रहा है, जो कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कुछ लोग हैं कि दूसरे पर सिर्फ कीचड़ उछालते रहते हैं और अपने ऊपर नहीं देखते। यानी कि यह जो जिस तरह से नीतीश कुमार का जो बड़ा बयान कल आया कि परिवार को लेकर के, वो बयान अभी तक आगे बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आज बात कैबिनेट की करें तो कैबिनेट भी करीब 15 मिनट ही चला और 3 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। हालांकि एजेंडा मामूली था और वो एजेंडा तमाम जो थे वो विधानसभा के पटल पर रखने वाले वित्त विभाग से जुड़े एजेंडे थे, बजट से जुड़े एजेंडे थे, इसलिए उसका प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ। लेकिन मात्र 15 मिनट का ये जो कैबिनेट की बैठक थी वो भी काफ़ी गंभीर रहा, और जो अंदर का जो माहौल, जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो अंदर का माहौल है वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण नहीं था, बिल्कुल तनावपूर्ण था। और
या 15 मिनट भी मंत्रियों के लिए काटना बहुत मुश्किल दिख रहा था। यानी कुल मिलाकर के जो बिहार की राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो और बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले कुछ दिनों में इसकी गर्माहट और देखने को मिलेगी। जी नवीन। हाँ बिल्कुल अभिषेक, आपने कल के बयान का जिक्र किया जब कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां नीतीश कुमार ने यह कहा था कि कुछ लोग परिवार को ही आगे बढ़ाते रहते हैं और ये जो बयान था उनका अभिषेक ये पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना रहा। हर व्यक्ति इस पर चर्चा कर रहा था कि जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ऐसा बोलते हैं अपने सहयोगी सीधा हमला कह सकते हैं कि राजद पर उनकी ओर से किया गया था। अभिषेक हम ये समझना चाहेंगे कि अब ये जो पोस्ट आया है रोहिणी आचार्य की ओर से ये निश्चित रूप से जो सियासी अटकलों का जो बाजार गर्म है जो सियासी अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही हैं ऐसा माना जा रहा था कि खरमास के बाद ही बिहार में कुछ राजनीतिक उलट पुलट की संभावना बन सकती है तो क्या इस पोस्ट के बाद अब वो संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है अभिषेक? देखिए रोहिणी आचार्य जब से लालू प्रसाद को किडनी दान में दिया है तब से चर्चा में है और यह लगातार पिछले कोई कई महीने पूर्व और वो पटना का दौरा कर चुकी है, वो अपने गांव का दौरा कर चुकी है, ननिहाल का दौरा कर चुकी है। तो एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है जो सियासी गलियारे में जो हलचल है कि इस बार शायद लोकसभा चुनाव में यह राजद की तरफ से कैंडिडेट भी हो सकती हैं और पार्टी इनको टिकट भी दे सकती है। तो एक तरीके से लगातार रोहिणी आचार्य समय समय पर ट्वीट करके अपने विरोधियों को या अपने को जवाब देती रही हैं। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है ट्वीट में साफ तौर से यह दिख रहा है कि जो उनका कहना है कि जो होड़ लगा हुआ है लोग क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि कर्पूरी जी को जो भारत रत्न का जो सम्मान दिया गया है वह जदयू या बीजेपी की तरफ से नहीं या लालू प्रसाद या उनकी माँ राबड़ी देवी के जमाने से ही इसको लेकर के मांग किया जाता रहा है और उसी का यह प्रतिफल है कि यह भारत रत्न का सम्मान बिहार के जो गुदरी के लाल कहे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर उनको दिया गया है। तो एक तरीके से यह एक क्रेडिट का जो वार है वो चल रहा है कि कौन आखिर क्रेडिट ले, क्योंकि जो लालू और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो कर्पूरी और लोहिया के विचारधाराओं से जुड़ी हुई है और उसी के आधार पर है और दोनों एक दूसरे दोनों चाहते हैं कि ये इसकी जो 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 पूरा जो श्रेय है वो हमें मिले। तो कल नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, लालू प्रसाद भी बोल रहे हैं, आज रोहिणी आचार्य ने फिर से एंट्री करके और फिर गर्मी बढ़ा दी है। लेकिन कल जिस तरह से ध्यान देने वाली बात है नवीन कि जब तेजस्वी यादव का भाषण अगर आप सुनते हैं तो तेजस्वी यादव भाषण में नए नौकरियों का जिक्र करते हैं, जाति आधारित गणना का जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं भी वह नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम वो कहीं नहीं ले रहे हैं, वो सीधा बोल रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, महागठबंधन की सरकार जब से आई है तब से ये काम हो रहा है, नौकरी दिया जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो यानी कि अब तेजस्वी यादव फिर से अलग तरीके से बातों को रख रहे हैं और जो भी पिछले 15 महीनों में बिहार में हुआ है या वो जाति आधारित गणना हो या फिर सरकारी नौकरियों को देने के लिए जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हों तो इसका क्रेडिट अब तेजस्वी यादव खुद को देना चाहते हैं और इसके लिए वो कल पुरजोर तरीके से इसका मतलब बातों को रखा भी और उसमें कहीं भी उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, जो कि कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार का नाम के बाद ही सरकार का नाम लेते थे और वो साफ साफ बोलते थे कि जो भी काम हो रहे हैं वो नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रहे हैं। तो यानी कि ये जो दूरियां है वो साफ भाषण में दिखने लगा है, वहीं नीतीश कुमार का भाषण अपने आप में सारी चीज़ें कहने के लिए काफ़ी है और जो उन्होंने कल ये भी कह दिया है नीतीश कुमार ने कि बिहार के हित में जो निर्णय होगा वो लेंगे और आगे भी हम काम करते रहेंगे। यानी कि जो अब चीज़ें हैं जो कि पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं, तो इसमें एक बल मतलब जोर पड़ता दिख रहा है और अब यह चीज़ दिख रहा है कि जो चीज़ें बयान के तौर पर अब सामने आ रही है वह धीरे धीरे पटल पर भी दिखेगा और सभी चीज़ें सामने से क्लियर हो जाएगी और जो भी पर्दा पड़ा हुआ है पर्दा उतर जाएगा। जी नवीन। बिल्कुल, इन अटकलों को बल
मिलता हुआ नजर आ रहा है और इन अटकलों को और बल दे दिया है आज रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट ने। इस पोस्ट के बाद कई तरीके के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब इसे एक आखिर में एक और चीज समझना चाहेंगे, ये जो सियासी अटकलों का दौर बिहार में देखने को मिल रहा है, इससे इतर अगर हम कल की बात करें तो कल इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा जब बंगाल में बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एकला चलो यानी कि अकेले उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तो उसके बाद अब ये अटकलें भी देखने को मिल रही हैं अभिषेक की, हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी अकेले चुनाव लड़े, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़े, बिहार में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े। तो ये आप लिंक करके देखते हैं क्या, बिहार में जो परिस्थितियां बन रही हैं क्या उसे आप जोड़ करके देख सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको सीट देना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और बंगाल में जहाँ तक उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो आज बंगाल पहुँच चुकी है। और इस बीच ममता बनर्जी का इस तरह से किनारे होना इंडिया गठबंधन से या इस तरह का बयान आना, उस जो दौरा है उसको भी कमजोर कहीं ना कहीं जरूर करेगा। और इसी तरह से जो भगवंत मान का भी बयान आ गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो बिल्कुल टूटता दिख रहा है अभी लोकसभा चुनाव के समय में ही। और जिस तरह से पिछले दिनों जदयू के केसी त्यागी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने का जो श्रेय जो जीमा था वो कांग्रेस को था, जिसे कांग्रेस ने ठीक से नहीं निभाया। यानी कि अब चीजें सामने से स्पष्ट होने लगी है कि इंडिया गठबंधन से अब धीरे धीरे चीजें अब जो है जो लोग हैं जो क्षेत्रीय दल के जो छत्रप हैं वो अलग होने लगे हैं। अब जहां तक नीतीश कुमार का बात है, नीतीश कुमार तो स्पष्ट है कि या तो वो इंडिया में रहेंगे या तो फिर वो एनडीए में रहेंगे, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ करके वो देख चुके हैं कि उनको जनाधार नहीं है और बिहार में उनका जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। पिछले 2014 में दो ही सीट जदयू जीत पाई थी, इसीलिए इस बार वो फिर कोशिश करेंगे कि हम किसी न किसी के साथ गठबंधन में रहें। और इस बार जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ होने की बात है, लेकिन यह जरूर है कि जब तक कुछ चीज़ें क्लियर ना हो जाए, जब तक चीज़ें धरातल पर स्पष्ट ना हो जाए, तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में हर समय चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन अब यह चीज़ें हैं कि इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा झटका ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके बयान के बाद जरूर लगा है। बिल्कुल, और आपने ठीक कहा कि इंडिया गठबंधन में जो टूट की खबरें दिख रही हैं, टूट की बातें सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि इंडी गठबंधन की जो गांठ है वो खुलने लगी है। और इसका असर सिर्फ कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि जिन जिन राज्यों की पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी हुई है इंडी गठबंधन से, वहां पर भी इसका असर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार में सियासी अटकलों को और बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक तीन पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, और उनके इन तीन पोस्ट के बाद सियासी गहमागहमी और बढ़ गई है, सियासी हलचल और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बिहार की राजनीति में बड़ा होगा। जेडीयू और आरजेडी में खटास की बातें सामने आ रही हैं और कई परिस्थितियों का ऐसा जिक्र किया हमारे संवाददाता ने जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जरूर जो है वो राजद और जदयू की बातें जो है वो मेल नहीं खा रही हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ये जो ट्वीट है रोहिणी आचार्य का वो निशाना है जनता दल यूनाइटेड पर। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो सियासी गहमागहमी है, सियासी हलचल है, सियासी अटकलें हैं, अटकलों का बाजार गर्म होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पोस्ट के बाद बिहार में किस तरीके की सियासी हलचल और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।